एक दुकानदार भाई ने अभी लाया है मेरे पास, तो इस पे ये फोन ऑन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले पर कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हो डिस्प्ले का इस पे लाइट नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हो, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ एक जम्पर से। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे एक जम्पर से। तो जस्ट तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हो मेरे हाथ में एक फोन है, आईटेल का कीपैड का फोन है। एक दुकानदार भाई ने अभी लाया है मेरे पास, तो इस पे ये फोन ऑन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले पर कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हो डिस्प्ले का इस पे लाइट नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पे कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो इसको आज हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, और जो भी भाई नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पर लाते रहूंगा। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करना होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो देख पा रहे हो फ्रेंड ये खुला ही है, क्योंकि अगला भाई कोशिश किया था तो हुआ नहीं है। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसका डिस्प्ले कनेक्टर पर कोई रीडिंग वीडिंग है कि नहीं। तो जस्ट पाजर मोड पर रख के रेड प्रूफ को ग्राउंड में लाया के एक बार चेक करेंगे। देखिए इसको कोई रीडिंग नहीं दिखा रहे, इस पे दिखा रहे मीटर पे, देख लो आपको प्लग मीटर पर दोनों में आना चाहिए था, नहीं आ रहा। एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसका, कोई वोल्टेज वोल्टेज है कि नहीं। तो मैंने फोन को बैटरी लगा दिया और स्विच ऑन किया, देखिए ऑन हो गया फोन लेकिन डिस्प्ले पर कोई नहीं है। तो वोल्टेज चेक कर लेते हैं इस पर वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। फोन हमारा ऑन हो गया, एक बार वोल्टेज को देख लेते हैं। देखिए इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, कम से कम 3.7 3.8 ऐसे कुछ आना चाहिए था, लेकिन कुछ वोल्टेज इस पर शो नहीं कर रहा। तो इसको हम लोग एक जम्पर से इस प्रॉब्लम, तो फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हो, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ एक जम्पर से। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे एक जम्पर से। तो जस्ट मैंने बैटरी खोला, खोलने के बाद जिस पर हम लोग का रीडिंग नहीं आ रहा है उस पर एक जम्पर मारेंगे पहले, तो देना पड़ेगा, देने से शायद ये लाइट आ जाए। तो मैंने इस पर एक जम्पर लगाया, मैं कहाँ से जम्पर लगा रहा हूँ वीडियो में शायद अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं इसका फोटो डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, दिख रहा है। इस पे वोल्टेज आता है, इस पे जम्पर हम लोग मार के देखेंगे इसका आता है कि नहीं आता है लाइट। तो जस्ट मैंने इस पे ग्राउंड पे टच किया, तो फ्रेंड मैंने चेक कर लिया है, इसे वोल्टेज आता है। तो इस पे हम लोग एक जम्पर करेंगे, थोड़ा से लेके यहाँ तक एक जम्पर कर देंगे। तो ये मैंने जम्पर कर दिया है, आप लोग देख पा रहे हो। तो फ्रेंड मैंने जम्पर कर दिया है, यह सामने से एक जम्पर लेके लाइट कनेक्शन का प्लस वाला पॉइंट में मैंने जोड़ दिया है। तो अभी फोन को एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो देखिए नहीं आया, इसको चेंज करके ए वाला साइड पर जम्पर मार देंगे। तो फ्रेंड देख पा रहे हो, जम्पर हमारा हो गया है। तो अभी इसको हम लोग ऑन करके आप एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, तो फ्रेंड हम लोग का जम्पर हो गया है, देखिए। तो इसका जम्पर का फोटो मैंने आप लोगों को
पिक्चर में दिखा दूंगा। तो इस डिस्प्ले हिल रहा था तो मैंने फिर से इसको आराम से लगा के मैंने ट्राई कर, चलिए इसको फोन को ऑन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग काम सक्सेस है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बोलिएगा और मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी भाई नया देख रहे प्लीज़। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगी तो मुझे और वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी फिर भी कुछ नया ना कुछ ढूंढ के आप लोगों को साथ शेयर करने का कोशिश करूँगा। देखिए आप लोगों का सपोर्ट से मुझे बहुत अच्छा मिलता है, जस्ट रिपेयरिंग बाइक के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे खुशी मिलता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हो ना चैनल पर तो मुझे खुशी मिलता है। तो भाई सपोर्ट करना, अपना भाई समझना मुझे, और जितना हो सके आगे शेयर करो मेरे वीडियो को। तो दिख रहा है मेरा जंपर, ये जंपर मेरा दिख रहा है, जंपर का फोटो में वीडियो में बीच में दिखा दूंगा प्लास में।